कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स थी जिनमें एक का नाम सोए था ये तीनों एक चर्च में आकर हाथ में मोमबत्तियां लेकर एक साथ वादा करती हैं कि आज रात अपनी जान लेकर हम मरने वाली हैं। फिर ये कागज़ पर अपनी जान लेने का आखिरी नोट लिखती हैं और उस पर अपना अपना खून भी डालती है और मजीद उस पर हाथ रख के कसम खाती है अभी वो ये कर ही रही थी की तभी चर्च का दरवाजा कोई खटखट आता है जिस वजह ऐसी तीनों काफी घबरा जाती है इसी दौरान हम दूसरी तरफ स्कूल के बाहर एक लड़की को देखते है जो अपनी बहन युन्जू की आने का इंतजार कर रही थी लेकिन तभी छत से कूद कर उसकी बहन युजू अपनी जान ले लेती है जिस वजह से उसकी बहन काफी डर भी गई थी साथ ही उसे काफी दुख भी होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है अगले दिन हम उन तीनों लड़कियों इनी सोई और उसके दोस्तों को स्कूल के ऑफिस में देखते हैं जो कल रात मरने का प्लान बना रही थी तीनों ही जिंदा थी जिसका मतलब की किसी ने भी अपनी जान नहीं ली थी यह स्कूल की प्रिंसिपल उन तीनों से जानकारी लेने लगती है कि आखिर युंजु ने अपनी जान क्यों ली होगी इनमें से सोई सबसे ज्यादा दुखी थी इस भी वो काफी चस्पाती हो गई इसीलिए वॉशरूम में आकर रोने लगती है दरअसल युंजु सोई की काफी अच्छी दोस्त थी और ये दोनों हमेशा साथ में रहा करती थी इसी बीच हम बाथरूम के बाहर खड़ी युजू की आत्मा को देख पाती है जो लगातार सोई को ही देखती जा रही थी वो सोई के पास आकर हाथ लगा उसे छूना चाहती थी आवाज भी लगाती है पर जब सोई पीछे मुड़कर देखती है तब तक युजू की आत्मा वहाँ ऐसी जा चुकी थी अब जब सोई क्लास में आती है तो यहाँ कुछ लड़कियाँ उसका रास्ता रोक उसे परेशान करने लगती है और उससे युजू की मौत के बारे में पूछने लगती है लेकिन सोई एकदम चुपचाप खड़ी रहती है उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती इतनी देर में यहाँ सोई की दोस्त आकर उन लड़कियों को अच्छा खासा सुना देती है और सोई का हाथ पकड़ कर उसे यहाँ ऐसी ले जाती है आगे जब वो तीनों यानी सोई और उसकी दोनों दोस्तें जो उसके साथ अपनी जान लेने वाली थी वो लंच के टाइम लाइन में लगी हुई थी यहाँ तभी एक बदतमीज लड़की आकर उन्हें फिर ऐसी परेशान करने लगती है वो कहती है की मुझे लगता है सोई कुछ छुपा रही है और ये युजु की मौत के बारे में जरूर कुछ जानती है जो के तो फिर से सोई से सवाल जवाब करने लगती है जिस पर सोई की दोस्त उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि आइंदा की बात इसे परेशान मत करना वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल को कर दूंगी अगले दिन सोई अकेले ही लाइब्रेरी में जाकर जमीन पर बैठी होती है वो काफी उदास लग रही थी क्योंकि युजू की मौत की वजह से अभी भी काफी दुखी थी लेकिन तभी यहाँ उसकी दोस्त आकर उसे संभालती है सोई उसे बताती है कि कल रात मैंने युजू को भी हमारे मरने अपनी जान लेने के बारे में बता दिया था तो मेरे ख्याल से उसकी मौत हमारी वजह हुई क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी तो मैं मर रही थी इसीलिए उसने भी अपनी जान ले ली यानी कि मरने का प्लान बनाया इन तीनों ने था लेकिन सिर्फ वो ही मरी जबकि इन तीनों ने अपनी जान नहीं ली ये अभी तक जिंदा है हालांकि इन्हें भी मर जाना चाहिए था अब रात को सोई जब सोने की कोशिश कर रही थी तो बार बार उसे युजू के मरने का ख्याल आ रहा था की कैसे उसने छत ऐसी कूद कर अपनी जान ली होगी और उसका खून ही खून हो गया होगा अब इस वजह ऐसी सोई की नींदे में उड़ गयी थी अगले दिन सोई युजू की फ्यूनरल आरोप जाती है यानी जब उसे दफनाया जा रहा था यह युझु की बहन सोई को रोक उसे पूछने की कोशिश करती है की आप मुझे युजू के बारे में बताए उसने अपनी जान क्यूँ ली मैं अपनी बहन को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी उसने तो उस रात मुझसे मिलने का वादा किया था तो बताइए बला उसने ऐसा क्यों किया अब सोई उसकी बातें सुनती तो है लेकिन बगैर कुछ बताए से चली जाती है घर जाने के लिए जब वो बस में बैठी थी तो युजु के साथ गुजारे वक्त को याद करने लगती है कि हम साथ में कितना खुश रहा करती थी जो सब याद करती वो काफी जस्बाती हो गयी फिर ऐसी उसकी आँखों में आंसू जाते हैं अगले दिन स्कूल के सारे बच्चे चर्च में युजू के लिए दुआ करते हैं ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिल सके अब सोई उसी जगह के पास जाती है जहाँ पर युजु ने अपनी जान ली थी वो यहाँ भी उसकी बातें याद करने लगती है की हम दोनों एक साथ वक्त गुजार के कितना खुश रहा करती थी यहाँ हमें उनके पुराने वक्त का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी की वो हमेशा ये वादा करती थी की हम हमेशा साथ साथ रहेंगी ये सोचकर सोई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी दोस्त आकर उसे रोक लेती है कहने लगी कि हमने यहाँ न आने का वादा किया था तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? खैर जो भी है चलो मेरे साथ जो कहकर वो सोए को अपने साथ ले जाती है अब यहाँ छत पर युजू की आत्मा खड़ी थी जो उन दोनों को जाता हुआ देख रही होती है अगले दिन सोई जब क्लास में थी तो देखती है की अचानक उसकी उंगली ऐसी खून निकलना शुरू हो गया है फिर पूरा हाथी खून ऐसी भर गया जो देख कर, वो काफी डर गई एकदम चौंक कर आवाज निकालती है जिस वजह ऐसी सारी लड़कियाँ उसे देखने लगती है अब जब सोई दोबारा ऐसी अपना हाथ देखती है तो वहाँ कोई खून नहीं था जिस वजह से उसे काफी हैरत हुई खत्म बनने के बाद सोई और उसकी दोस्त जब बाहर जा रही थी तो वहाँ एक शीशे के दरवाजे पर सोई और उसके दोस्तों के नाम लिखे थे साथ में ये भी कि ये लड़कियाँ यंजु की मौत के बारे में छुपा रही हैं उस बारे में ये सारी सच्चाई जानती हैं अब ये देखकर कर सोई की दोस्त को उस बदतमीज लड़की पर शक हुआ इसीलिए वो फौरन उसके पास जाकर पूछती है कि तुमने हमारा नाम और हमारे बारे में वो बकवास क्यों लिखी वहाँ जिस पर वो कहती है मैंने नहीं लिखा मुझे कोई जरूरत नहीं है और हो सकता है ये की आत्मा ने लिखा हो रात के वक्त सोई और उसकी दोनों दोस्ती चर्च में मिलती है यह सोई उन दोनों को कहती है की उन्हें हम स्कूल में सबको सारी सच्चाई बता दी जिससे हमें कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा ये सुनकर दोनों दोस्ती काफी हैरान रह जाती है कहती है नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकती अगर हमने सारी बता दी तो हमें स्कूल से निकाल कर कहीं और भेज दिया जाएगा साथ ही हमारी काफी बदनामी भी होगी कोई भी इज्जत नहीं करेगा हमारी सब क्या सोचेंगे जिस बात पर सोए मान जाती है कि ठीक है फिर हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे अब जब ये तीनों घर के लिए जा रही थी तो उनकी एक दोस्त बार बार पीछे मुड़ कर देखने लगती है सोए और दूसरी दोस्त जब उससे पूछती है की क्या हुआ कौन पीछे बार बार पीछे मुड़ कर क्यूँ देख रही हो तो वो जवाब देती है की मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कब से हमारा पीछा कर रहा है पर उसकी दोस्त ये एक बात को टाल देती है कि तुम युजू के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है मेरी बात मानो उसे अपने जहन से निकाल दो इतना मत सोचो उसके बारे में अभी स्कूल की एक और बच्ची बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान लेने की कोशिश करती है क्यूँकी उसकी क्लास की लड़कियाँ उसे बहुत परेशान करती थी जिस वजह ऐसी उसे सुकून पाने के लिए मरने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कूदने के लिए उसने जैसे अपने कमरे की खिड़की खोली अचानक वहाँ आकर युंजु उसे रोक लेती है साइड में गिरा कर मैंने उसके मुँह पर थप्पड़ मारती है फिर उसका गला घूट कर उधर उसकी जान ले लेती है अब रात के वक्त सोई की एक दोस्त को उसकी डैड काफी मार रही थी क्योंकि वो फुल शराब की नशे में थी अपनी बेटी को इसलिए मार रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही क्योंकि पेपर्स में उसके नंबर कम आए थे उधर सोई की दूसरी दोस्त एक चाबी की मदद से अपनी सारी किताबें फाड़ने लगती है क्योंकि उसे पता चला था कि इस बार फर्स्ट कोई और आया है फिर वो चाबी अपने हाथ में पकड़ लेती है यहाँ हमें पता चला कि ये चाबी उस स्टूडेंट को दी जाती है जो पूरे साथ फर्स्ट आता है पर क्योंकि इस बार फर्स्ट कोई और आया था इसलिए अगले दिन प्रिंसिपल उसे वो चाबी वापस मांगती है जिस पर वो कहती है कि प्लीज ये चाबी मेरे पास ही रहने दीजिए यहाँ हमें पता चला कि इस बार फर्स्ट दरअसल युन आई है जिसकी मौत हो चुकी है ये जानकर सोई की उस दोस्त को काफी गुस्सा आता है इसीलिए वो वहाँ ऐसी बाहर आ गयी क्यूँकी हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट वो ही आना चाहती थी वो अब जाती है अपनी दूसरी दोस्त के पास क्लास में जहाँ वो देखती है की उनकी दोस्त की आँख आरोप चोट लगी है क्यूँकी कल रात उसके डैड ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था उसकी जख्मी दोस्त कहती है कि प्लीज आज रात तो मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाओ क्योंकि मेरी डैड मुझे फिर से बहुत मारेंगे जिस बात का वो कोई जवाब नहीं देती अब ये दोस्ती जब लंच करने कैंटीन में गयी तो वहाँ कुछ लड़कियाँ ये अफवाह फैला रही थी यंजु ने कूद कर अपनी जान इसलिए ली क्यूँकी वो माँ बनने वाली थी ये अफवाह सुनकर सोई को काफी बुरा लगता है इसीलिए अब अपने दोनों दोस्तों को लेकर बाहर आती है बात करने अब उसके ऐसा करने से उसके दोस्तों को लग रहा था कि ये अफवाह सोए ने फैलाई जिस पर वो मना कर देती है ये कहते हुए कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि युजु मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो जब बातें कह रही थी तो तभी उनकी दोस्त को पेड़ के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है वो घबरा गई उसने जब इस बारे में दोनों को बताया और जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था अब सोई अफवाह की वजह से बहुत परेशान थी इसीलिए वहाँ से जाने लगती है लेकिन फिर से कुछ लड़कियाँ उसका रास्ता रोककर उसे परेशान करने लगती है और युजु के बारे में पूछने लगती है जिससे सोई को इतना गुस्सा आता है कि वो की साइड में धक्का मारकर कर वहाँ ऐसी जाने लगती है तभी उसके सामने युजु की छोटी बहना जाती है और रो रो कर उसे युजू की माँ बनने वाली बात पूछती है ये भी बताती है कि मैंने उसका पूरा कमरा चेक किया था लेकिन वहाँ से मुझे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो इस बार की तरफ इशारा करता कि युजु अपनी जान लेने वाली है सोई इस बार भी उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है इस वजह से युजु की बहन काफी दुखी हो गयी और फैसला करती है की अब मैं उस छत पर जाकर खुद ही इस बात का पता लगवाऊंगी की आखिर मेरी बहन ने अपनी जान क्यों ली वो जब छत पर गयी कोई सुराग ढूंढी तो वहाँ उसे कुछ न मिला जैसे वो काफी परेशान हो गई उसे इतना दुख होता है कि वो भी छत पर आकर खोद कर अपनी जान लेने का फैसला करती है लेकिन तभी पीछे से युंझु की आत्मा आकर अपनी बहन को खींच कर उसकी जान बचा लेती है अब हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जब सोई की दोनों दोस्ती उसकी जिंदगी में आई थी तो वो युजु को कम टाइम देने लगी थी इन्हें ज्यादातर अपनी उन दोनों दोस्तों के साथ ही रहती थी जबकि उनके आने ऐसी पहले युंजु और सोई हमेशा एक साथ रहा करती थी अब उसकी दौरे की वजह से युंजु को काफी बुरा लग रहा था इन दिनों सोई का एक लड़का भी दोस्त बन गया था जो दोनों दूसरे को पसंद करने लगी थी वो एक साथ बहुत खुश थी इसलिए चोरी चोरी उन दोनों ने शादी कर ली कुछ दिन के बाद पता चला कि सोए माँ बनने वाली है अब जब ये बात सोए के हस्बैंड की, की मोम को पता चली कि मेरी बेटी ने एक तो छुपके से शादी कर ली और दूसरा उसकी वाइफ माँ बनने वाली है तो उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की मेरी बेटी की वाइफ बने और उसके बच्चे की माँ तो इसीलिए वो सोए को हॉस्पिटल लेकर गयी जहाँ उन्होंने उसके बच्चे को मरवा दिया इस बात से सोए को बहुत दुख हुआ और जब उसने ये बात बात अपने हस्बैंड को बताई कि तुम्हारी मोम ने मेरे साथ ये किया तो जाए सोई का साथ देने वो उसी लड़ने लगता है कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो मेरी लायक तो बिल्कुल भी नहीं जो कहने के बाद वो उसे अपनी शादी ही तोड़ लेता है इस बात से सोई इतना परेशान रहने लगी कि एक दिन गुस्से में उसने युजु के साथ बहस कर ली जिस वजह से उनकी नाराजगी हो गई अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम इन्हीं मौजूदा वक्त में आ जाता है जहाँ रात में सोए अकेले झूला झूल रही थी लेकिन बार बार उसे ऐसा महसूस होता है जिसे सात वाले झूले में युजू की बैठी है जिसका चेहरा खून से भरा हुआ है इस वजह से वो इतना घबरा गई कि हड़बड़ी में वो झूले से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है अगली सुबह सोई जब क्लास में अकेली बैठी थी तो यहाँ वही बदतमीज लड़की आकर उसे धक्का मारती है फिर से परेशान करने लगी और युजू की मौत के बारे में पूछने लगती है कहती है की मैं जान गयी हूँ की तुम और युजु बहुत अच्छी दोस्ती थी इतनी अच्छी की तुम्हारा बहुत प्यार था लेकिन तुम्हारे दोनों दोस्तों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई वो जान बूझ तुम्हारी दोस्ती में घुस गयी इसलिए ताकि युजू हर वक्त टेंशन में उसका पढ़ाई में दिल न लगे जिस वजह से उसकी फर्स्ट पोजीशन न आई और तुम्हारी वो दोस्त जो हमेशा फर्स्ट आती थी हर बार की तरह वो ही फर्स्ट आई तो इसी वजह से तुम ही युजू की मौत के जिम्मेदार हो तुम्हारे ही टेंशन लेने से उसने परेशान होकर अपनी जान ली ये सुनकर सोई को बहुत दुख होता है इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद वहाँ युंजु की आत्मा आ जाती है और पीछे से उस लड़की पर हमला करके उसका मुंह पकड़ लेती है दम घोट कर चांद ऐसी मारने की कोशिश करने लगती है असल में युजू की आत्मा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि ये बदतमीज इस लड़की बार बार सोई को परेशान कर रही थी ताकि वो इसकी बातों से तंग आकर टेंशन लेकर अपनी जान लेने कुछ देर के बाद सोई जब क्लास में वापस आई तो वो लड़की वहाँ से गायब थी जो देख कर उसे काफी हैरानी हुई फिर अब स्कूल में ये अफवाह फैल गयी थी की युजो ने इसलिए अपनी जान ली क्यूँकी सोई उसको छोड़ कर अपने दोनों दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगी थी इन सब बातों का सोए पर काफी बुरा असर पड़ता है वो बहुत दुखी हो गई और बस इसी के बारे में हर वक्त सोचने लगती है इतना परेशान हो गई थी कि एक खिड़की पर अपना हाथ जोर से देकर मारती जिससे वहाँ का कांच टूट जाता है जबकि सोए के हाथ पर भी काफी गहरी चोट लग गई थी जिससे उसका खून बहने लगता है सोए की हस्बैंड की माँ गाड़ी से कहीं जा रही थी वो फोन सुन रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी लेकिन तभी अचानक उन्हें गाड़ी में अजीब सा महसूस होने लगा जिसके साथ ही दर्दनाक आवाज वहाँ आना शुरू हो गयी ये आवाज़ इतनी बुरी और तकलीफ दी थी की उनके कानों में चुबन पैदा कर रही थी जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया लेकिन फिर भी नाकबली बर्दाश्त आवाज की वजह से उनके कानों के पर्दे फट जाते हैं और उनका खून बहने लगता है साथ ही साथ अब आंखों नाक और मुंह से भी खून बहने लगा था जिस वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि वही उनकी मौत हो जाती है वो भी बहुत दर्दनाक उन्हें भी युजू की आत्मा नहीं मारा था क्योंकि सोए की बच्ची को उन्होंने मरवाया था इसलिए जिसे हम जान पाए की युजु हर उस इंसान को मार रही है जिन्होंने कभी भी सोए को परेशान किया हो उसे तकलीफ पहुँचाई हो अब स्कूल में सोए की दोस्त उसे फसाने के लिए लड़कियों को कह रही होती है की उस रात छत पर युजू के साथ सोए भी थी उन दोनों ने एक साथ मिलकर अपनी जान लेने का फैसला किया था लेकिन मरी तो सिर्फ युंजु ही जबकि सोई ने उसके साथ बेईमानी की और उसने अपनी जान नहीं ली ये बताने के बाद जब वो वॉशरूम में आई तो उसके सामने युंझु की आत्मा आ जाती है जो खून से लतपत थी जिसे वो इतना डर गई की पीछे जाके गिरती है थोड़ी देर के बाद जब वो क्लास में आई तो अपने दोस्त को इस बारे में बताती है कि मैंने वॉशरूम में युजु की आत्मा को देखा वो अब हमें भी नहीं छोड़ेगी जो सुनकर उसके दोस्त को यकीन नहीं आता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बस इसका वहम होगा अब जब वो क्लास से बाहर आई तो उसे फिर से खिड़की के बाहर युजू की आत्मा दिखाई देती है जिससे वो इतना घबरा गयी की जोर जोर ऐसी चिल्लाने लगती है उसकी आवाज़ सुनकर सारे वहाँ आई तो उसने बता दिया की बाहर युजु की आत्मा है अब जब सारे बच्चों ने बाहर देखा तो वहाँ युन्झु की आत्मा कहीं भी दिखाई नहीं देती बस वहाँ युंजु की छोटी बहन ही खड़ी थी थोड़ी देर के बाद युजु की छोटी बहन क्लास में आती है सोई ऐसी मिलने के लिए इस बार वो अपनी बहन के बारे में सोई ऐसी कोई सवाल नहीं करती बल्कि उसे रिलैक्स करती है शांत करने लगी क्योंकि इस वक्त भी सोई काफी परेशान थी जिससे हम समझ पाए की असल में युजू की आत्मा ने अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दिया था अब जब सोई की वही दोस्त जिसे बार बार युजू की आत्मा दिखाई दे रही थी वो उसकी बहन की बाल पकड़ कर उसे पीटने लगती है क्यूँकी उसे लग रहा था की युजु की बहन ही बार बार अपनी बहन की आत्मा बनकर मुझे डरा रही है ये देखकर सोई उन लोगों की लड़ाई छुड़वा कर उन्हें शांत करती है और युजु की बहन को वहाँ से जाने का कहती है अब युजु की बहन वहाँ से जाने के लिए मान तो गई पर जाते जाते वो की दूसरी दोस्त को कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम सारी सच्चाई सबको बता दो जिस बात ऐसी की उस दोस्त को इतना गुस्सा आता है कि वो की वो युजु की बहन को धक्का मार कर ग्लास ऐसी बाहर करती है और दरवाजा बंद कर देती है अब की वो जख्मी दोस्त जिसे बार बार युंजु की आत्मा नजर आ रही थी डर की वजह ऐसी वो वॉशरूम में आकर छुप जाती है पर तभी तबिया उसकी दूसरी दोस्त आकर उसे संभालती है और समझाने लगी कि देखो तुम खामखा खामजू की आत्मा से डर रही हो वो मर चुकी है और अब कभी भी वापस नहीं आ सकती लेकिन फिर भी उसकी दोस्त को डर लग रहा था इसलिए वो कहती है कि चलो बता देती है सबको सारी सच्चाई जो सुनकर उसकी दूसरी दोस्त ऐसा करने से मना करती है उसे लगा कि अगर ये बाहर गई तो अपना मुंह खोलकर सारा काम खराब कर देगी इसीलिए उसे स्टोर रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है सुई जब क्लास में अकेली थी तो उसे एक लॉकर से किसी लड़की के बाल बाहर आते हुए नजर आते है उसने जैसे वो मोबाइल बाहर की तरफ खींची अचानक लॉकर खुल गया वहाँ उस बदतमीज लड़की की लाश पड़ी थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी एक तो वो से भरी हुई थी ऊपर से उसे तोड़ मड़ोड़ लॉकर में रखा हुआ था जो देख कर सोई काफी डर जाती है अब सोई की वो दोस्त जो स्टोर रूम में बंद थी वहाँ आकर युंझु उसे डराने लगती है जिससे वो इतना घबरा गयी की दूर दूर जाके गिर रही थी जबकि उसकी दूसरी दोस्त जिसने उसे स्टोर रूम में बंद किया था वो अपनी कंप्यूटर क्लास ले रही होती है तभी अचानक वो देखती है की कंप्यूटर के अंदर ऐसी युजु की आत्मा निकल बाहर आ रही है जिससे वो इतना घबरा गई कि वही नीचे गिर जाती है वो फौरन उठ के खड़ी हुई और अपने दोस्त को चेक करने स्टोर रूम में आती है लेकिन उसकी दोस्त वहाँ मिलने की बजाय उसे वॉशरूम में मिलती है इसके पूछने पर उसने बताया कि मुझे यहाँ युजु की आत्मा लेकर आई है और अब वो चाहती है कि हम सारी सच्चाई और स्कूल को बता दे वरना वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगी ये बताने के बाद वो अपने दोस्त को धक्का देकर स्कूल की छत पर आ जाती है ताकि यहाँ से कूद कर अपनी जान ले सके क्योंकि इस तरह डर डर कर वो तंग आ गई थी तभी यहाँ भी उसकी दोस्त आ गई समझाने लगती है की देखो पागल मत बनो क्यों कर रही हो ऐसा तो वो जवाब देती है क्योंकि इस तरह सच को अपने अंदर दबाकर मैं नहीं रह सकती और मेरी डैड भी मुझसे प्यार नहीं करती जब दिल चाहे मुझे पीट के रख देती है सच न बताने की वजह से युन मुझे डराने आ जाती है इसीलिए अब मेरा मरना ही ठीक है इतना कहती ती वो दीवार ऐसी कूद जाती है और वही मौके आरोप उसकी मौत हो जाती है अब उसे ये सब करता सोए ने भी देख लिया था इसीलिए वो जल्दी ऐसी उसके पास आकर उसकी लाश को अपनी गोद में लेकर रोने लगती है इतनी ही देर में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स आ गयी यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और क्यूँकी इस सब की वजह ऐसी सोए सदमे में चली गयी थी इसलिए उसे टीचर संभालती है जिसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है अब इनकी दूसरी दोस्त दूर ऐसी ही खड़ी होकर उसकी लाश को देख रही थी हालांकि वो उसकी दोस्त थी पर वो उसके पास तक नहीं आती बल्कि खुश थी क्योंकि उनकी सच्चाई जानने वाली एक लड़की कम हो गई थी फिर रात के वक्त वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है ताकि वो चाबी वापस ले सके जो कि प्रिंसिपल ने उसे वापस ले ली थी वो चाबी ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक उसके सामने युंजु की बहन आ जाती है चाबी जा उसके हाथ में थी इसे दिखाकर वो कहती है चलो बोलो सारी सच्चाई बता दो लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती उल्टा उसी के सर पर किसी चीज से वाल करके उसे बेहोश कर देती है बेहोश करने के बाद वो उसके पास जाकर चुपकी ऐसी कहती है कि तुम्हारी बहन युनजू पागल थी जो सोई की जगह खुद मर गई ये कहने के बाद वो यहाँ से सीधा चर्च में जाती है उस रात इन्हों जो अपनी जान लेने वाला नोट लिखा था उसे जला देती है ताकि उस रात का कोई भी सुराग बच न सके ये करने के बाद वो सीधा सोई के पास जाती है और उसे कहने लगी की हमारी उस दोस्त को युंजु नहीं मारा है और अब वो हमें भी नहीं छोड़ेगी मार डालेगी तो अब चलो उठो चर्च जाते हैं ताकि गॉड ऐसी अपनी गलतियों की माफी मांग सके ये बात मानकर सोई उसके साथ चर्च में आ जाती है पर जैसे ही दोनों एक कमरे में जाने के लिए अंदर गयी तो उसकी दोस्त फौरन बाहर आकर दरवाजा लगा देती है और सोई को अंदर ही बंद कर देती है और अब यहाँ ये राज खोलती है कि उस रात मैंने अपनी जान लेने का प्लान सिर्फ तुम्हें ही मारने के लिए बनाया था क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं हमेशा फर्स्ट आने ऐसी रह जाती थी यानी कि उस रात प्लान के मुताबिक सोई के दोनों दोस्तों ने सोचा था कि इस प्लान में हम सोई को धोखा देंगे यानी मरने का प्लान होगा तीनों का ही लेकिन जब कूदने की बारी आएगी तो वो ना कूद कर सिर्फ सोई को ही कुदा देंगी इसी के साथ पास्ट यानी माजी का वो वक्त दिखाया जाता है जब ये सब कुछ हुआ था जहाँ चर्च में सोई और उसकी दोनों दोस्ती बैठ कर अपनी अपनी जिंदगी के मसले बता रही थी और जाल लेने का प्लान बनाती है अब जिस दिन इन्होंने अपना ये प्लान सरंजाम देना था उससे एक दिन पहले सोई की दोनों दोस्ते ये प्लान बनाती है की हम सिर्फ सोए का खोदने में साथ देंगे पर उसके साथ कूद कर अपनी जान नहीं लेंगे जिससे सिर्फ वो ही मरेगी हमारा काम भी हो जाएगा किसी को शक भी नहीं होगा अब प्रेजेंट टाइम में सोई की दोस्त सोई पर हमला कर देती है उसका गला घोट कर जान से मारने की कोशिश करती है है फिर तार उसके गले में लपेट कर खांसी ऐसी लटका देती है ऐसा वो इसलिए कर रही थी ताकि सोए के मरने पर सबको यही लगे कि इसने भी अपनी जान ली जिससे उस रात वाली सच्चाई को जानने वाली आखिरी सोए भी मारी जाए और किसी को कभी भी उस रात के बारे में नहीं पता चलेगा पर तभी आरोप की बहन आ जाती है यहाँ हम देख पाते है की युंजु ने उसके जिसम को प्रोजेस्ट किया हुआ है यानी उसे अपने कंट्रोल में कर यु उसके अंदर आ गई है वो यहाँ आते ही अपनी ताकतों से सोए को फांसी से निकाल कर उसकी जान बचा लेती है और वो सोए की दोस्त को लटका देती है तार को वो इतनी जोर से खींचती है कि उसका गला दब जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है इसके बाद अब हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन एंटीना ने अपनी जान लेनी थी उनका प्लान रात का था जबकि सुबह को स्कूल टाइम सोए युजू को बता देती है की आज मैं अपनी दोनों दोस्तों के साथ अपनी जान लेने वाली हूँ ये बताते हुए सोए रो रही थी पर युजु उसे शांत करती है ये कहकर की तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो मैं तुम बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी तो मैं भी तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल हूँ आज अपने जान ले लो अब इस रात जब वो तीनों अपनी जान लेने का वादा कर रही थी तो तभी किसी ने चर्च का दरवाजा खटखटाया था और ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था उस वक्त हमें ये दिखाया नहीं गया कि उस वक्त दरवाजे पर कौन था तो अब हम यहाँ जान पाए कि उस वक्त वहाँ युजो आई थी सबसे आखिर में वो इसलिए आई थी क्योंकि आने में उसे देर हो गई थी वो भी आकर अपना खून उस कागज पर डालती है और अब ये चारों एक साथ मरने का फैसला करती है हालांकि यहाँ सोई युजू को ऐसा करने से मना भी करती है लेकिन उसका कहना था कि मैं जीते जी भी और मरने के बाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तो उसकी बात वो नहीं मानती इसके बाद वो चारों लड़कियाँ छत पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है ताकि कूद कर अपनी जान ले सके लेकिन तबिया सोई की एक दोस्त बेमानी कर देती है वो युजु का हाथ छोड़ देती है जिसे युजु नीचे गिंडी लगती है जब तक सोई इस बात को नोटिस करती है काफी देर हो चुकी थी हालांकि उसे बचाने के लिए सोई युजु का हाथ भी पकड़ती है लेकिन तब तक वो नीचे कूद कर मारी जाती है ये देखकर हमें पता चला कि सोई की दोनों दोस्तें चाहती थी युजु और सोई दोनों एक साथ मर जाएं और वो दो दोनों बच जाए पर यहाँ मरी तो सिर्फ युंजु प्रेजेंट टाइम में हम युजू की आत्मा और सोए को छत पर खड़ा हुआ देखते हैं यह दोनों एक दूसरे को प्यार करती हैं यह सोए जज्बाती होकर युंजु से माफी मांगती है तो वो सोए के गले से लग जाती है अब सोए देखती है कि ये मुझसे इतना प्यार करती है इसीलिए उसने फैसला किया कि मैं भी कूद कर अपनी जान ले लूंगी फिर हमेशा युजू के साथ रहूंगी जैसा हमने वादा किया था और वो उसका हाथ पकड़ कर छत की दीवार पर खड़ी हो जाती है जैसे कूदने लगी युंजू की बहन आकर सोए का हाथ पकड़ उसे बचा लेती है तब यहाँ अपनी बहन को देख कर युजु सोई से कहती है कि तुम की तुम मरने की बजाय मेरे साथ जाने की बजाय जिंदा रहो और मेरे बाद अब मेरी बहन की बड़ी बहन बनकर उसका ख्याल रखो जिस पर सोई उसे वादा करती है की तुम परेशान न हो मैं ऐसे ही करूँगी तुम्हें या इसे तभी तो भी कोई शिकायत नहीं होगी ये सुनकर युजू की आत्मा काफी खुश हो गयी और अब वो इन दोनों को हमेशा के लिए छोड़ कर वहाँ चली जाती है इसके बाद हम सोई के हस्बैंड को देखती है जिसने अब दूसरी शादी कर ली थी वो दोनों जैसी लिफ्ट में गई हम लड़की का चेहरा देख पाते हैं जो हो बाहू युजु जैसा लग रहा था जिसका मतलब कि युजु ने इसको भी पोजेस्ट कर लिया है और अब वो इस लड़की के अंदर आ चुकी है क्योंकि यहाँ वो उसके हस्बैंड से सोए का बदला लेने आई थी जिसने सोए के साथ इतना बुरा किया था और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है